नमस्कार, मैं रचना कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, वो कोई कुकिंग की रेसिपी नहीं है। मैं आज आपके साथ में नीम का काजल बना रही हूँ। आपने बहुत टाइम से, आप सभी लोग बोल रहे हैं कि मैम ऐसा भी कुछ ऐसे वीडियोज भी बनाइए जिनका हम डेली रूटीन में हमको ज़रूरत पड़ती रहती है, कोई फायदेमंद जैसे हमारे दिनचर्या से रिलेटेड कुछ भी हो। तो मैं आज नीम का काजल बना रही हूँ। आपको अगर और भी कुछ बनाना हो या आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आज मैं नीम का काजल बना रही हूँ। नीम का काजल हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नीम का काजल, नीम कितना औषधीय गुण लिए हुए होता है, तो नीम का काजल जो हम बनाते हैं ना, वो आंखों को हमारे जैसे आंखों में दर्द है या जलन होती है या आंखों में कोई भी रोग है, तो संक्रमण से, पॉल्यूशन से, इन सब से आपको नीम का काजल आपकी आंखों को बचाता है। क्योंकि भगवान ने जो हमारे बॉडी में जो पार्ट दिया है, एक आँख, ये हमारे लिए सबसे खूबसूरत तो है ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी भाग है ये हमारे शरीर का, तो इसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काजल जो है, ये नीम का काजल, ये रात को लगाते हैं, पाउडर की जैसा बनता है ये। तो जो बाज़ार में काजल मिलते हैं, हम देखते हैं कि किसी किसी को सूट नहीं होता, आँखों में से पानी आने लग जाता है, तो और उनमें केमिकल वगैरह मिले हुए होते हैं, तो वो तो हार्मफुल होते ही है, पता है हमको। तो ये जो काजल है आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के सबके आप काजल लगा सकते हो। हम तो बचपन से लगाते आ रहे हैं। मैं किसी दिन भूल जाती हूँ तो उस दिन मेरी आंखों में खुशी से लग जाती है, मुझे लगाना ही पड़ता है। अगर आप रात को भूल जाते हो तो नहाने से पहले सुबह आप लगा लो, और उसके बाद ना लो तो भी काजल की पतली सी रेख बन जाती है, तो आपको सुबह लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। आपका रात का लगाया हुआ है ना, वही काजल आपका बहुत सुंदर लगता है, आंखें स्वच्छ रहती है। तो आप इस तरह से नीम का काजल बनाइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। एक और ऐसे ही वीडियो के साथ में मैं हर शनिवार को एक ऐसा ही वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो इस तरह से, और आज बना लेते हैं हम लोग नीम का काजल। तो ये देखिए, मैंने नीम की डालियाँ तोड़ के मैं लाई हूँ। ये नीम की डालियाँ ना, इनमें पहले फूल आते हैं, तो जो नीम जर बोलते हैं उसको, तो उस नीम जर की भी काजल बनते हैं, और ये फिर वो फूल है ना, इस तरह से निम्बोली बन जाते हैं। ये नीम की निम्बोली जिनको बोलते हैं ना, ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, नीम जर है, फूल आते हैं ना, उनको भी हम तोड़ लेते हैं, और ये निम्बोली है, इनको भी तोड़ लेंगे। तो अब इनसे अपन काजल बनाएंगे। तो पहले निम्बोली हम तोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये इतने नीम में से अपने को इतनी निम्बोलियाँ मिल गई है। सारे के अपन काजल नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत ले लेंगे, इनको जितने काजल बनाना है उतनी निम्बोलियों को अपन पीस लेंगे, बाकी की सुखा सकते हैं, क्योंकि इसी मौसम में निम्बोलियाँ आती है। तो अगर आपका काजल ख़त्म भी हो जाए ना, तो जो सूखी हुई निम्बोलियाँ हम उनको पीस के और उनको वापस गीला करके उस तरह से काजल बना सकते हैं। तो अभी जितना बनाएंगे उतना बना लेंगे, बाकी की देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये नीम की जो डालियाँ ना, इनकी ये जो है ना, इनकी पत्तियाँ, तो इनके पत्तों को इस तरह से हटा हटा के, ये पत्ते तो आपको जैसे आप इनको पानी में उबाल के उस पानी से नहा भी सकते हो, और आपको अगर कपड़े, कोई बीमारी के कपड़े धोने हो तो उस पानी से वो भी धो सकते हो। आप इनको पीस के और आपके चेहरे पे लगा सकते हो, मुहासे वगैरह वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और बिस्तरों के नीचे भी आप ये इस तरह के पत्ते लगा सकते हो, तो कीड़े नहीं होते हैं। किचन में रख दो आप इनको, तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं इस तरह से। तो ये डंडियाँ ना, ये सारी तोड़ तोड़ के इनके पत्ते अलग कर लो, और ये डंडियाँ इनके एक झाड़ू से बना लेते हैं। तो वो क्या होता है कि जब ये सूख जाएंगी ना, तो ये हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको साफ करने के काम आते हैं। एक छोटी सी झाड़ू हो जाती है हाथ से, तो वो फिर काम आती है। मैं भी बताती हूँ आपको वो भी। ये देखिए इस तरह से, ये लीजिए है ना, ये इस तरीके की एक झाड़ू सी बन जाती है। तो इनके पत्ते अगर आपको अभी तोड़ने तो अभी तोड़ लो, नहीं तो इनको एक बांध के इस तरह से डोरी से बांध के और बिस्तर बिस्तर के नीचे कहीं रख दें, पत्ते सूख जाए, तभी आपकी डालियाँ भी सूख जाती है। इनका हम काम ऐसे करते हैं, जैसे कभी क्या होता है, नाक में लौंग वगैरह या कान में हम पहने रहते हैं, बहुत टाइम तक कुछ पहने रहते हैं बालियाँ वगैरह, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़े दिन हम इनको खोल के थोड़ा रेस्ट दें, उस टाइम आप ये नीम की है ना, छोटे बच्चों के जैसे उनके दर्द करती है, नाक में बाली पहना थी तो बच्चों के दर्द करती है, तो वो बाली खोल के और ये सूखी हुई नीम की छोटी सी डाली है उसके नाक में डाल दो, तो ये क्या हो, कीटाणु इससे क्या होगा, उसके पकेगी भी नहीं वो जगह, और वो छेद होगा नाक का वो भी बंद नहीं होगा। तो हम ऐसे भी काम में लेते हैं इनको। तो ये झाड़ू मैंने बना दी, ये कई काम की है।
मेन अपना था काजल बनाना, तो अब मैं काजल बना रही हूँ। तो अपन पहले क्या करेंगे कि नींबू लींबू खूब अच्छे से धो लेंगे। ये हमने नींबू लिया धो लिए, तो अब जितना काजल बनाएंगे उतनी रख लेंगे, बाकी सूखने के लिए रख देंगे। नींबूलियों को हमने इस तरह से खूब अच्छे से इनको पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक इस तरीके से एक रुई लेंगे, है ना, थोड़ा मोटा मोटा बेस रखेंगे इसका, और इसको थोड़ा सा इस तरह से चौड़ा चौड़ा फैला देंगे। और ये जो हमारा पिसा हुआ है ना, ये वाला अंदर का हिस्सा ज़्यादातर, ऊपर की परत भी आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके, ये देखिए इस तरह से अंदर ही नींबूली डाल दी, परत लगा दी। और अब इसको बत्ती को इस तरह से करते हुए थोड़ा सा ऐसे बल लगा दें इनको, जैसे बत्ती नहीं बनाते अपन, ऐसे आप बत्ती बना लो जितनी भी आपको। और ये पानी में इस तरह से इसको सारी को ऐसे लथपथ कर लो आप। और अब हम क्या करेंगे, और बत्ती बना लेते हैं इसकी, दो तीन बत्तियां बना लो आप, जितना आपको काजल बनाना हो उस हिसाब से। और अब हम इनको धूप में सुखाएंगे जब तक ये बत्तियां पूरी तरह से सूख नहीं जाती है। इस तरह की बत्तियां हमने बना ली, और इन बत्तियों को अब हम धूप में सुखाएंगे। तो ये दो बत्तियां मैंने सुखा ली हैं जो बनाई थी, अब इनमें से एक बत्ती है उसका हम बनाएंगे काजल। तो इस तरह से मैंने दिए रख दिए, आप देख लीजिए कैसे रखना है। हम लोग तो ज़्यादातर क्या करते हैं, दीपावली पे जो दिया जलाते हैं ना लक्ष्मी जी का, तो रात भर वो अखंड जो जलती है, तो सुबह फिर वो बहुत सारा तेल रहता है उसके अंदर, तो उसका हम लोग काजल बनाते हैं। तो वो पूरे दिन में शाम तक पूरा काजल इतना सारा बन जाता है। मैंने ये इस तरह से दिए रख दिए, ऐसे ही रखते हैं। और ये बत्ती है, इसको हम थोड़ा सा इसमें दिए में इस तरह से रख देंगे। और ये हमेशा सरसों के तेल में ही बनाएं आप, और तेल इसमें खूब अच्छी तरह से डाल दें। मिट्टी के दिए जब नए होते हैं ना, तो उस टाइम इनको कम से कम रात भर के लिए इनको पानी में भिगो के आप रख दें, और उसके बाद में फिर इनको सुखा के और फिर काम में लें। तो क्या होता है कि ये तेल नहीं सोखेंगे, वरना क्या है कि ये तेल पी जाएंगे, तेल सोखते हैं ये, मिट्टी है ना नई अगर रहेगी बिना पानी पिए तो वो तेल सोखेगी आपके। तो इस तरह से ये बत्ती हमने एक मुंह पहले उधर रखा था, अब ये गीला हो गया तेल में, तो अब हम इसका बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम बत्ती जला के देख लेंगे, उस हिसाब से फिर हम दिया एडजस्ट करेंगे ऊपर की किस तरफ है कहाँ रखना है। और ये एक बड़ा दिया हमने लिया है जो अच्छे से इसके ऊपर आ सके, इसको कवर कर सके, इसकी लौ है ना वो दिए के अंदर, ऊपर वाले दिए ना उस पर जा सके इस तरह से। तो अब हम इसको लगा रहने देंगे और बाद में फिर हम देखेंगे कितना काजल हमारा बनता है। तो ये हमारी बत्ती देखिए पूरा काम कर गई, और अब हम ऊपर वाला दिया, क्योंकि गर्म है ये, तो थोड़ा ध्यान से आप किसी कपड़े की सहायता से अच्छे धीरे से इसको यहाँ से हटा दीजिए। ये देखिए आप दिख रहा है ये काजल हमारा इसमें, क्योंकि इसमें अगर हम और भी बड़ा दिया लेते और इसमें लगाते ना हम, तो ये बत्ती बहुत देर तक जलती, और दिया छोटा था इसलिए। तो अगर बड़ा दिया लेते ना हम, तो बड़े दिए में ज़्यादा देर तक बत्ती जलती और ज़्यादा काजल आता, लेकिन ये बहुत ठीक है ये काजल। तो अब हम क्या करेंगे आपको बताती हूँ मैं। तो काजल को हमेशा ना तो उंगली से ना ही किसी चम्मच या किसी सहायता से, ऐसे अखबार है इसको इस तरह से समेट लेना चाहिए, बिल्कुल पतली सी इसकी इस तरह से ये बना लेनी चाहिए। और उसके बाद में फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे काजल को, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ये देखना हमें, देख रहे हो आप, दिए पर से पूरा काजल साफ हो जाता है। अभी देखना आप कितना काजल इकट्ठा हुआ है हमारे,
और ये बहुत लाभदायक होता है ये काजल। हमारे तो बचपन से ही हमारे मम्मी लगाते आ रहे हैं, तो ये काजल हम लोग बच्चों के सबके, अब तो बच्चे बड़े हो गए लेकिन स्कूल जाते थे ना तब तक मैं लगाती थी बच्चों के। ये देखिए इतना साफ़ किसी चीज़ से नहीं होता ये, आप देख सकते हैं ये हमारा काजल इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे काजल की डिब्बी है, खाली हो चुकी है अब, लगभग साल भर हो जाएगा दीपावली पे तो ख़त्म हो गया अब काजल। तो अब हम ये काजल इसमें डालेंगे। ये काजल इसमें डाल दिया हमने और अब फिर क्या करते हैं, ये देखिए ये है, ये कंचा जो होता है ना बच्चे खेलते हैं वो वाला कंचा, ये बिल्कुल काला हो गया, तो ये हम इसमें काजल में डाल देंगे। काजल में डालने के बाद में ये इस तरह से उसको इस तरह से आप घुमाना, तो ये जो काजल में क्या होता है कि जब काजल होता है ना ये आप ऐसे ही लगा लोगे ना तो ये आँख में चुभता है, तो काजल क्या इस तरह आँख पर रड़कता रहता है ऐसे लगाओगे तो। लेकिन जब भी आप इस तरह से और कैसे पीसोगे तो काजल उड़ता है, आप अंगुली से इस तरह से करोगे तो भी नहीं वो अच्छे से पीस पाएगा। तो ये टेक्निक मेरे सासू जी ने मुझे बताई थी, तो ये कंचा इस काजल की डिब्बी में रख देते हैं और उसके बाद में आप जब भी लगाओ काजल उसके बाद में इस तरह से ये घुमा लो तो वो पूरा काजल आपका इसमें पिस जाएगा। और उसके बाद में ये काजल जो है हम लोग रात को सोते वक्त लगाते हैं, तो ये देखिए ऐसे ये करके। और तो बच्चे छोटे थे हमारे तो मम्मी लगाते थे, तो फिर मेरे बच्चे छोटे थे तो भी उनके इस तरह से नहला धुला के और मम्मी इतने बढ़िया सुंदर उनका काजल लगा देते और फिर उसके बाद में ललाट पे काली एक बड़ी बिंदी लगा देते। कहीं बाहर जाना होता है या कोई हमारे घर आता है तो मेरी मम्मी इतनी गाल पे नाक पे सब जगह बिंदियाँ लगा के और बच्चों को तैयार कर देते थे। तो ये क्या नीम का काजल होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, आंखें स्वस्थ रहती है साफ रहती है इनसे। रात को आप लगा के सो जाओ कि सुबह तक गीट के साथ सारा कचरा आपका, आंखें अगर दुखती भी है ना तो भी ठीक हो जाती है। मेरी तो मैं एक दिन भी नहीं लगाऊँ ना तो मेरी आंखों में खुजली चलने लग जाती है क्योंकि आदत पड़ गई है। और आंखें बहुत स्वस्थ रहती है, आपकी आंखों की कोई भी रोग है कोई भी संक्रमण है उससे आपको ये नीम का काजल बचाएगा। और इस तरह से अब आपको नीम का काजल घर पर ही बना लेना, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये काजल आप लगा सकते हो, आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी सुंदर दिखेंगी। तो अब आप मुझे बताना कि आपको मेरी काजल की रेसिपी कैसी लगी।